तेंदुखेड़ा के नगर परिषद में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ लगभग 8 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर नियमितीकरण करने की बात कह रहे हैं। वहीं हड़ताल के कारण शहर का बुरा हाल है। जगह जगह गंदगी की आलम पसरा हुआ है। दुकानदारों के सामने दुकानदारों को खुद ही साफ सफाई करने पड़ रही है। वहीं नगर परिषद के सीएमओ का कहना है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं, उनके अलावा नगर परिषद के 5 स्थायी कर्मचारी नगर में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दुकानों एवं मार्केट में हाट बाजार जगह जगह गंदगी और कचरा देखने को मिल रहा है। सीएमओ ने जो कर्मचारी 2 दिन के अंदर अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। हमारे कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को देखते हुए सप्ताही रूप से रखे गए थे, वो भी हड़ताल पर हैं। और बाकी हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो नियमित रूप से आ रहे हैं, और कुछ दैनिक कर्मचारी थे जो पंचायत कार्य में लगे हुए हैं वो भी उनके हड़ताल में हैं। हम अपनी जो कर्मचारी हैं उनके तहत सफाई करवा रहे हैं जितनी पॉसिबल हो रही है। उसके बाद जो हमारे दैनिक कर्मचारी हैं वो भी जल्द उनसे बातचीत हो गई है, उनके विनियमितीकरण का प्रस्ताव तो हमने भेज दिया है। उनकी मांगे हैं जो हमने ऊपर शासन को भेज दी हैं, अब उनके ऊपर है वो हड़ताल कब तक जारी करना चाहते हैं। अभी 5 स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, बाकी कल से 10 दैनिक और कर्मचारी आ जाएंगे। वही नाराज कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वे काम पर नहीं लौटेंगे। जी हमारी मांगे हैं जो ग्राम पंचायत समय से ही अस्थायी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से स्थायी किया जाए, और साप्ताहिक वेतन पर कार्य कर रहे सफाई मजदूरों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाया जाए, और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाए, और एवं शासन द्वारा जो सेवानिवृत्त राशि दी जाती है वह प्रदान की जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और कृपया हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपया शिक्षित सफाई कामगारों की पदोन्नति करें, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर, सफाई दरोगा, सफाई वाहन परिचालक जैसे रिक्त पदों की। अगर हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार तो हम तो इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके बाद हम अनशन पर भी जाएंगे। नगर का तो बहुत ही बुरा हाल है, जहां देखो वहीं गंदगी फैल रही है। हमारे शासन प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है। सफाई कर्मियों की समस्याओं को लेकर हम लोग मांग पर बैठे हुए हैं, मगर उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही उनको कोई गंदगी दिखा रही है, ना उनको समझ में आ रहा है कि भाई वातावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। जो हम लोग स्वच्छ नगर को बनाते चले आ रहे हैं उस पर कार्रवाई उनको दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल। हम 86 से लगे भैया जी, ठीक अभी तक हम पक्के नहीं हुए, परमानेंट चाहिए हमको तो। वही कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में स्वच्छता की व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ दुकानों के सामने जो कचरा डला हुआ है, फैला हुआ है, कुछ कर्मचारी जो हैं यहाँ आ नहीं रहे सफाई पर, हम लोगों को सफाई करना पड़ रही है। दुकान के सामने जो कचरा डला हुआ है उसको अलग करना पड़ रहा है। इस गली उस गली सब में कचरा डला हुआ और फैला हुआ है। ये लंबे समय से जो अभी जो वर्तमान में हो रहा है सफाई कर्मचारी जो अभी हड़ताल पे हैं, जैसे अभी ये देखने आ रहा है पिछले 1 साल में 5-6 बार उनकी हड़ताल हो चुकी है, और उनका मेरे को स्थानीय प्रशासन जो है, जो भी है उनकी वो बात है, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। ये बार बार सफाई व्यवस्था जो पटरी से उतर जाती है, और स्वच्छता अभियान में और दुनिया भर में भी बीच में आते हैं सारी चीजें जो बोल रहे हैं, लोग तो सहयोग करने के लिए अपने वो तैयार हैं। गांव के लोग बकायदा टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सफाई ना होना कुछ तो। एक बात और है कि मेरा ये मानना है कि कुछ तो स्थानीय प्रशासन की कुछ हठधर्मिता समझ में आ रही है, और सफाई कर्मचारियों की भी कुछ स्वेच्छाचारिता या बोलना चाहिए उनकी मनमानी है। अब देखना होगा कि नाराज कर्मचारियों को मनाने में नगर परिषद कितना सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, तेंदुखेड़ा।